हेलो सो फ्रेंड्स, आप लोगों के आज की फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इसमें इंची टैप के बारे में बताऊंगा और अच्छे से मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक राजमिस्त्री के लिए इंची टैप समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं समझाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समझाने से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताऊँगा जितना एक हर किसी को पता होना चाहिए इंची टैप के बारे में। तो चलिए आप देखिए वीडियो को। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा ये एक इंच है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक में एक इंच है और ये दो इंच है। तो ये आप जो ये पहले देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देख सकते एक इंच, दो इंच, तीन इंच। तो पहले हम इसी इंच को समझ लेते हैं। एक इंच हो गए तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहे का लगा हुआ है, इसके भी यहाँ तक एक इंच क्लियर नहीं दिखता है। तो ये एक इंच हो गए, ये दो हो गए। यहाँ से आप गिनती करते जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 इंच। आप देख सकते हैं, सीधा मैं आपको सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, आपको भी इतना आता होगा। ये 10 इंच हो गए, 11, 12। तो आप यहाँ पर देख सकते 12 इंच 1 फुट होता है। बस आपको इतना याद रखना है, 12 इंच 1 फुट हुआ। और इस इंची टैप में आप देख सकते कितना आसान है समझने में। यहाँ पे लिखा गया है 1 फुट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 फुट यहाँ लिखा है। उसके बाद चलेंगे आगे, यहाँ देख सकते 13 इंच हुआ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा, यहाँ 13 इंच हुआ। तो आप देख सकते ये चीज़ क्यों लिखा गया यहाँ पर, ये देख सकते हैं रेड कलर में है, लाल कलर में यहाँ पे डबल एक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, तो यानी 1 और 2 है। तो इसका क्या मतलब है आप यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। कभी कभी देखे होंगे आप, कोई फीता निकालेगा और वो फटाक से बता देगा इतने इंच है। तो वो उसको कैसे पता होता है, क्योंकि वो तो गिनती करता नहीं है लेकिन फिर भी वो बता देता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये 13 हुआ, तो यानी कि ये हुआ 12 फुट, यानी 12 इंच, यानी कि 12 इंच यानी कि 1 फुट हुआ। 1 फुट के बाद ये 13 हुआ, यानी कि ये हुआ 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 1 इंच हुआ। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ लिखा गया है 1 फुट 1 इंच। यहाँ पे आगे जाएंगे 1 फुट 2 इंच, इसी तरह से आगे जाएंगे। तो अब आपको फीता में गिनती नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से दिखा दूँ, 3 फुट हुआ। यहाँ पे 36 इंच, यानी 36 इंच 3 फुट हुआ। तो 3 फुट में यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 फुट 1 इंच। तो इसी तरह से आपको ये इंच को आपको गिनती नहीं करना पड़ेगा। आप फटाक से यहाँ पे देख सकते हैं छोटा अक्षर में लिखा गया है 3 फुट 5 इंच। तो 3 फुट 5 इंच यहाँ तक मान लीजिए होता है, तो आपको इसी तरह से निकालते जाना है यहाँ से देख सकते। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जब आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए आपको यहाँ से गिनती करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा 6 इंच हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 42 इंच हुआ यहाँ पे। तो ये 6 इंच बना, 3 फुट 6 इंच। तो आपको 3 फुट 6 इंच यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आगे नहीं कर देना है, यहाँ पीछे रहना है 42 तक, यहाँ जहाँ ये लिखा है उससे पीछे रहना है। यानी कि ये चीज़ आपका पीछे का हिस्सा को दिखाता है, ये वाले इंच का जो सेंटर का है। तो यहाँ पे हो गया ये 3 फुट 6 इंच यहाँ पे लिखा है। तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ गए फुट के बारे में, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरे नंबर में बात करूँ दोस्तों मीटर का, मेन होता है फुट के बाद आपका मीटर का चलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मीटर कहाँ आता है, आप ऐसे फीता निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको 1 मीटर दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 मीटर आपको 3 फुट के आगे मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी 3 फुट से पहले नहीं ढूंढने लग जाना है 1 मीटर को, आपको 3 फुट के आगे ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर लिखा हुआ। कभी कभी क्या होता है, कोई 1 मीटर अगर कभी बोल दे कोई 1 मीटर कितना होता है, अगर उसे पूछने लगे कि 1 मीटर निकालो, तो वो उधर ही ढूंढने लग जाएगा। तो आपको उधर नहीं ढूंढना है, कभी भी 3 फुट तक फीता को निकाल लेना है फटाक से। आप देख सकते हैं 3 फुट है, 3 फुट से आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं
एक मीटर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 3 फुट से आगे कितने इंच पे होता है देख सकते हैं, यहाँ 36 है, 37, 38, 39 के पास यहाँ पे 1 मीटर दिया गया है। तो आप इसी तरह से मीटर का निकालेंगे तो फिर आप आगे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं फिर 6 फीट के आगे यहाँ पे मिलेगा हमको 2 मीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मीटर का हो गया, आप ये दोनों आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सूत के बारे में, सूत के बारे में आपको अच्छे से दिखा दूँ, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ तो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 इंच में 8 सूत होता है, तो आपको देख सकते इंची टाइप में आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ इसमें, क्योंकि इधर 1 फुट से आगे ही आपको सूत अच्छे से गिनती में आएगा, उधर बहुत ही ब्रीक लाइन में लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं 1 इंच मान लीजिए हमारा ये वाली लाइन है सेंटर वाली, ये 1 इंच का मान लीजिए ये लाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसमें देख सकते हैं आप इसमें 14 लाइन होगा। अगर इस लाइन को भी लेकर के चलेंगे और यहाँ तक में कितना है 17 लाइन है, इसके बीच में आपको 1 इंच में ये लाइन 17 है टोटल, पर हमारा सूत में जो आएगा 1 लाइन छोड़ देना है, आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा, 1 लाइन ये छोड़ देना है। कभी कभी क्या होता है कोई इसको भी 1 सूत बोल देता है, तो आपको इसको नहीं बोलना, ये 1 लाइन को छोड़ करके फिर चलना है ये बीच का जगह। तो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा होता है जैसे इंची टेप में ये भी लिखा गया है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन को छोड़ करके चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया 8, ये लाइन हो गया इंची का, ये लाइन हो गया इंची का, उसके बीच में छोटा छोटा लाइन रहता है, तो आपको यहाँ तक नहीं कह देना है 1 सूत, 1 लाइन छोड़ देना है इसमें, आप देख सकते हैं ब्रिक में 1 लाइन छोड़ करके बताना है 1 लाइन इसमें ब्रिक में, वैसे 14 लाइन है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मान लीजिए यहाँ तक में 1 इंच के बीच में टोटल, यहाँ से आप लाइन लेंगे यहाँ से गिनती करेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ तक में 17 लाइन हो जाएगा। तो आपको 1 लाइन छोड़ देना है हमेशा, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये समझ गए होंगे आप, अब चलते हैं इधर हम सेंटी के पास, इधर देख लेते हैं सेंटी, देख सकते यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिया गया है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया, हो गए 10 सेंटीमीटर के। 10 सेंटीमीटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने mm होता है, तो आप यहाँ पे mm इसको गिनती कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिक में है तो यहाँ पर आप गिनती कर सकते हैं, ये 10 mm होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये वाले mm है, तो आपको 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 10 mm होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से गिनती कर सकते हैं लाइन में। तो दोस्तों मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं आपको कंफ्यूज करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो के बारे में और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आज इंची टेप के बारे में आपको अच्छे से समझाया, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।